भाई साहब मुबारक हो, ये आपके आने का वक्त है। जयमाला से पहले तो पहुंच गया हूं ना। ठीक है ठीक है, आइए। शादी नहीं, नहीं डैडी, डैडी मैं शादी नहीं करूंगी, डैडी मैं शादी नहीं करूंगी, मैं शादी नहीं करूंगी। क्या बात है बेटे? डैडी मैं शादी नहीं करूंगी। अरे तो कौन कम वक्त से नहीं शादी करा है? जरूर कोई तूने सपना देखा है। अरे तू तो ऐसे नर्वस हो रही है जैसे नीचे तेरी बारात खड़ी। ना नॉर्मल तेल होगा और ना राधा नाचे, ना ये शादी के लिए तैयार होगी, ना दरवाजे पर बारात आएगी। लो आ गए शादी के पब्लिसिटी एजेंट। मैं पूछता हूँ तुम औरतों को शादी के अलावा और भी कुछ पूछता है क्यों बेटे? यस डैडी। तू चुप कर, मैं पूछती इस लड़की को जिंदगी में घर में बैठाने की इरादा है क्या? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा था, मैंने तो कहा था जब वक्त आएगा अपने आप शादी हो जाएगी, क्यों बेटी? यस डैडी। ओफो, तू बाप बेटी मिलकर मुझे पागल बना दोगे। अरे भाई शादी करके मैं कौन सा सुखी हूँ? क्या मुझसे शादी करके खुश नहीं? नहीं मेरा मतलब ये नहीं था। जवाब दीजिए, आप मुझसे शादी करके खुश नहीं हो? बात ये नहीं है। बात और क्या हो सकती है, आप मुझसे शादी करके खुश नहीं? इतना पीछे बैठ गई, मुझे दफ्तर जाना है। रामू शामू मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, आप मुझसे शादी करके खुश नहीं? ओ जबान फिसल गई थी। जबान फिसल गई? कैसे फिसल गई? आई लव यू। अबे आंखें खोल और दुनिया देख, फिल्म स्टार जूनियर महमूद नहीं, तुम्हारा बाप मोटरसाइकिल चैंपियन हवा वाला। कमाल है जो, कमाल है जो। चैंपियन भाई, ऐसा कमाल तो हम एक बार फिल्म के पर्दे पे देखा, दूसरा बार आपका मुंह पे देखते हैं। अरे इस नकली चेहरे का असली कमाल तो तुम लोग 11:60 पर देखोगे, जब मेरी कुकू। आपकी कुकू? मेरी कुकू। तुम्हारी कुकू? हमारी कुकू। योर कुकू? यस यस माय कुकू, जब मेरे पीछे तुम मिलाती जाएगी। मेरे को तो तुम्हारा बोटा खराब मालूम होता है, सवेरे को बाटून गया था कैम। क्यों क्यों? अरे घेल चरा सिया डिक्री हीरो के चेहरे पे मतलब हीरो के कैम सट्टू। यस इफ यू वांट गेट कुकू इन काबू पुट सम हीरो थोपड़ा ऑन योर फेस। वो ठीक है यार, लेकिन कुकू के आने में सिर्फ 2 बाकी है और इतनी जल्दी मुझे किसी हीरो का थोपड़ा कहाँ से मिलेगा? हम तो कहें आप खुद किसी हीरो से कम है क्या? चलना। Yes, your face looks like a villain. 32 दबा को नाक में हवा भर को अगर आप चलेंगे ना तो आपका थोपड़ा प्रेम चोपड़ा से कम नहीं लगेगा। आ गई, अरे आ गई, अरे आ गई। Hi, Baba. Hi. Let's go for a ride. Okay. Come on. Prem Chopra, Jindabad. Prem Chopra, Jindabad. Prem. भाभी आप ये न समझिए कि मैं शिकायत कर रहा हूं, मगर ये मामला रोज का हो चुका है। कुक्कू को काबू में करने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो ये कि आप उसकी शादी कर दीजिए। अच्छा भाई साहब, नमस्ते। सुना आपने? मैं कुछ सुनने के मूड में नहीं, मैंने जुलाब लिया है, तुम कुछ कहोगी तो डबल डोज हो जाएगा। मैं कहती हूँ बहुत गड़बड़ हो गई है। तुम भी एक गोली ले लो। भाड़ में गई आपकी गोली, मुझे जहर दे दो ताकि मैं चैन की नींद सो सकूं। ओहो आखिर बात क्या है? बात क्या होगी, खान भैया से शिकायत आई है। तो उसको भी एक गोली भिजवा दो। आपका भी दिमाग खराब मालूम होता है, आपने अपनी बेटी को सर चढ़ा रखा है। मैं कहती हूँ जल्दी से उसके हाथ पीले नहीं कर दिए गए तो हमारा मुंह जरूर काला हो जाएगा। ओहो डार्लिंग, उस कमिश्नर की पहली शिकायत तो है। और हाँ, अगर उसे अपनी भतीजी का इतना ख्याल है तो उसे खुद क्यों नहीं शादी के लिए समझाता? वो क्या समझाएंगे, मैं उसे सीधा करूंगी। मैंने एक लड़का पसंद किया है
उसे आपको भी पसंद करना पड़ेगा, आपकी बेटी को भी। अगर मुझे मालूम होता कि तुम मुझे इतना भारी जुलाब देने वाली हो तो मैं दूसरा क्यों लेता। एक बात और, आज आप अपनी बेटी से डट के बात करेंगे, दब के नहीं। क्या कहा? कुछ नहीं, समझ गया। हाय डैडी। हेलो बेटे। क्या बात है डैडी, आज आप बहुत नर्वस लग रहे हैं। कुछ नहीं, जुलाब लिया है। व्हाट नॉनसेंस डैडी, आज आपने मुझसे मेरी रिपोर्ट भी नहीं पूछी। तेरी रिपोर्ट मैं तुझे सुनाती हूँ, कान खोल के सुन ले, आज से तेरी फटपटी वटपटी बंद। व्हाट? हमने तेरी शादी करने का फैसला कर लिया है। क्यों जी? हाँ जी। डैडी आप भूल गए मैंने आपसे क्या कहा था। जब मुझे अपना मनपसंद जीवन साथी मिलेगा मैं आपको बता दूंगी। तू क्या बताएगी, मैं तुझे बताती हूँ। यही वो लड़का है जिसे पाकर तू अपना जीवन स्वर्ग बना सकती है। मालिक दया करो, मालिक दया करो। साहब, मारने और गोलियां चलाने से आपको हमारी लाशें तो मिल सकती हैं, मगर आपका रुपया नहीं मिल सकता। बेटे रे, काहे को झगड़ा करता है रे। चल उठ उठ उठ, चल चल बेटे चल। क्यों मैं चौधरी, तूने तो कहा था बस्ती का सारा किराया दो दिन में मुझ तक पहुंच जाएगा। कहा तो था मालिक, कहा तो था, लेकिन 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 लगता है तुमने इस जमीन को अपने बाप की जागीर समझ लिया है। कान खोल के सुन ले चौधरी, मैं इस जमीन पे एक आलीशान होटल बनाना चाहता हूँ, इसलिए इस जमीन को जितनी जल्दी हो सके तुम लोगों के मनहूस कदमों से पाक कर देना चाहता हूँ। बेटा, होटल बना लेने से तुम्हारी तिजोरी में दौलत की बढ़ोतरी तो हो जाएगी, लेकिन दौलत से कभी इंसान अपना पेट नहीं भर सकता। आत्मा की प्यास तो सच्चे कर्मों से ही बुझती है। बुढ़े, इसलिए मैं तुम जैसे जलील लोगों को अपने सर पर बिठा लूं। यही ना चौधरी, मैं यहाँ तुम्हारा भाषण सुनने नहीं अपनी जमीन मांगने आया हूँ। अगर जीते जी आग में जलना नहीं चाहते हो तो 3 तारीख के अंदर अंदर अपने आदमी को लेकर यहाँ से दफा हो जाना, वरना याद रखना चौधरी, आग सिर्फ जलाती है, रहम नहीं करती, समझे? सुनो और सुनो, मेहरबानों ना मेहरबानों, भाइयों और बहनों, बूढ़ों और जवानों, मर्दों और ना मर्दों, अरे ओ कबूतरों, मीठा था कि फीका? वो मैं बताता हूँ। ये क्या है? अरे देख नहीं रही हो, हजामत करने का उस तरह है उस तरह। हाँ, मगर इससे बाल नहीं कटते, गर्दनें कटती हैं। अगर 3 तारीख तक ये जमीन साफ न हुई तो गांव के लोगों की गर्दनें साफ हो जाएंगी। अबे ओ दुश्मनों की चौखट चाटने वाले कुत्ते, जमीन परमात्मा की है, तेरे बाप की नहीं। तू हमारी गर्दनें काट कर भी तू हमें मार नहीं सकता, क्योंकि धरती माँ पे कुर्बान होने वाले कभी नहीं मरते, अमर हो जाते हैं, समझा? चलो यार, इन लोगों के मुंह क्या लगते हो, वक्त आने पर इन्हें भी दिखा देंगे। चलो। अरे दिखाने वाला बेटा, बेकार की तू तू मैं से हमारी समस्या हल नहीं हो सकती। समस्या भी हल हो जाएगी काका, 3 तारीख आने में अभी बहुत वक्त है, भगवान पर भरोसा रखो, जो भी होगा ठीक ही होगा। हेलो मैडम, गुड मॉर्निंग, व्हाट इज द टाइम? 5 o'clock? नो, इट इज 10 o'clock. You are very wrong. अरे रामू, वहाँ क्या कर रहा है? जल्दी से जाकर नाश्ता बना। इस घर में इतने पुतले क्यों हैं? उधर रख, उधर रख। गुस्से को कहाँ रखूँ? इधर भी पुतला। अबे बोनी स्कॉट। Yes, my God. Come here. ये यहाँ भी नहीं है, इधर रख देते हैं। कैसा लग रहा है? अच्छा है ना? अच्छा है ना? अबे,
बेबी के कपड़े तैयार किए कि नहीं? कर लिया। कर रही है तो कुछ और कर। वो बाथरूम का फ्लश कर, फ्लश कर। अबे पीटर स्कॉट जल्दी कर, जल्दी कर। लो वहां अभी बाफी फूल है। लो मेरा अभी दिमाग खराब है। अरे प्लास्टिक के फूल में खुशबू कहां से आएगी, मगर मैले है, जल्दी साफ कर यार। मिठाई लाल आओ हमारे साथ। अरे कुकू, अरे कुकू, अरे बेटे तू तैयार नहीं हुई? कमाल है, वो लोग आते होंगे। अरे जल्दी से साड़ी गहने पहन ले बेटा। अरे मंदा जरा से कहते पेटी लगा दे। अरे बेटे जल्दी से तैयार हो जा। देखा ना मैं पान आना भी भूल गई। जल्दी से है मेरी गुड्डी रानी। बेबी इस खुशी के मौके पर मुझे इनाम जरूर मिलना चाहिए, जरूर। मेरी जान मुसीबत में है और तुम्हें इनाम चाहिए, भागो यहाँ से। अरे बेबी इतनी जोर से मत चिल्लाओ, मेरा दिल बड़ा नाजुक है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं यहाँ से भागने के लायक भी ना रहूं। मेरा दिल, दिल। मिठाई लाल। यस बेबी। स्वीट रेड। वेरी वेरी मच रेड रेड। तुमको इनाम चाहिए था ना? ऑफ कोर्स। तो अपना कोट उतारो ना। उतारता हूँ ना। हम कोट उतारो। वैसे इनका कारोबार क्या है? अजी 10 फैक्ट्रियां हीरे तराशने की, जिसके सिलसिले में इसको दुनिया भर के मुल्कों की खाक छाननी पड़ती है। अब देखिए ना, बड़ी मुश्किल से वक्त निकाला यहाँ तक आने का। बस राय साहब मेरी तो एक ही तमन्ना है, इसकी शादी हो जाए और ये इंडिया में सेटल हो जाए। मैं तो तंग आ गया उसका बिजनेस देखते देखते। और राय साहब अब आपकी और मेरी उम्र तो पोते पोतियां खिलाने की है ना। माफ कीजिएगा भाई साहब, आज सुबह से कुकू की तबीयत खराब है, इस वक्त भी बुखार से बदन तप रहा है, इसलिए माफी चाहती हूँ। अरे इसमें माफी मांगने क्या बात है, जब बच्चे की तबीयत खराब है तो उसे तो आराम करना ही चाहिए। हमारा क्या है, हम तो घर के आदमी हैं, फिर किस दिन चले आएंगे। अच्छा राय साहब इजाजत दीजिए। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते राय साहब। चलो अच्छा ये क्या हरकत है? ये हरकत मैंने नहीं आपकी लाडली बेटी ने की है, आइए मेरे साथ। देखा आपने? मैं जानती हूँ मेरी हरकत से आपको बहुत दुख पहुंचेगा, लेकिन डैडी हरकत में बरकत है। मैं अपनी पसंद का जीवन साथी ढूंढने जा रही हूँ और प्रॉमिस करती हूँ कि उसके मिलते ही उसे लेकर सीधे घर वापस आ जाऊंगी। देख लिया अपनी लाड प्यार का नतीजा? लाड प्यार का नहीं, तुम्हारी जबरदस्ती का नतीजा। लेकिन अब किया गया करेंगे क्या, जल्दी से पुलिस में फोन कर दीजिए ना। तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पे, पुलिस में रिपोर्ट करके अपनी इज्जत मिट्टी में मिलवा दो। आपकी इज्जत मेरी इज्जत है भाई साहब, कुकू अगर आपकी बेटी है तो मेरी भतीजी भी है। तो भैया कुछ कीजिए ना। आपके कहने के मुताबिक अगर वो अपनी सहेली के पास बड़ौदा जाने के लिए निकली है तो मुझे यकीन है वो रास्ते में जरूर मिल जाएगी। हाय चैंपियन बाबा, लेट्स गो फॉर अ राइड। कम ऑन। सत्यानाश कर दिया। अबे जब भी मैं रबड़ी खाने बैठता हूँ तू आके मुंह धोने लगता है इसमें। शट अप। शट अप मुझसे शट अप। अरे बेटा आज मैं तेरी हड्डी। देख 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 तू क्या बोल रहा है? तू मेरे पीछे नहीं भाग। मैं तुझे भाग जा, उधर से भाग जा, इधर से भाग जा। अरे मेरे होने वाले ससुर जी, मैं पूछता हूँ तेरे कपड़े कहाँ गए? मेरे कपड़े, मेरे कपड़े, मेरे कपड़े कुकू पहन कर भाग गई। भाग गई? तू यहाँ बैठा क्या कर रहा है? भाग भाग के पीछे नहीं आगे। जाने बहार
यारो मुझे सबसे है प्यार। मैं हूँ राही मस्ताना, मुझे समझो ना दीवाना, मैं जमाने से नहीं हूँ, मेरे दम से है जमाना। राही मस्ताना, मुझे समझो न दीवाना, मैं जमाने से नहीं हूँ, मेरे दम से है जमाना। हम जो बहके महके बहारे, हम हंसे तो हंसती है कलिया, हम रुके तो रुक जाए राहे, हम चले तो चलती है दुनिया। मैं हूँ राही मस्ताना, मुझे समझो न दीवाना, मैं जमाने से नहीं हूँ, मेरे दम से है जमाना। मुझे समझो न दीवाना, मैं जमाने से नहीं हूँ, मेरे दम से है जमाना। मुझे समझो न दीवाना, मैं जमाने से नहीं हूँ, मेरे दम से है जमाना। मालूम होता है गाड़ी से गिरकर कोई बेहोश हो गया। आओ आओ। हाँ चलो चलो। पानी का छींटा मारो, देख क्या रहे हो? हाँ। बाबा ये शक्ल से तो कोई रईस ज्यादा लगता है, और रईस लोग इतने प्यासे होश में नहीं आते। फिर आप हटिए, मैं अभी इसके होश ठिकाने लाता हूँ।
जगह है। देखा बाबा, बोलती चालू हो गई। क्या चालू हो गई? मैं आपसे नहीं, इनसे बात कर रहा। यू? एक्सीडेंट मेरा हुआ और बात आप इनसे कर रहे हैं? यू? एक्सीडेंट आपने मुझसे पूछ के किया था। ओह सॉरी। अच्छा ये बताओ, मैं आपकी मोटरसाइकिल कहाँ ठीक करा सकता हूँ? चन्नम में। अरे यार तुम तो नाराज हो गए। तेरी मेरी यारी कब से हो गई? शर्माता तो ऐसे है जैसे लड़कियां सुहागरात को शर्माती हैं। मिस्टर ट्रक वाला, अगर लिफ्ट देनी है तो सीधी तरह दे, वरना अपना रास्ता ना चल। ओहो, तो बात अब लिफ्ट तक कहाँ पहुंची है। सुन लौंडे, तू दिखने में तो काफी शरीफ दिखाई देता है, मगर बातों से अव्वल दर्जे का लफाड़ी। मुझे तो लगता है तू जरूर किसी लौंडिया के चक्कर में घर से भागा है। घर से भागा हूँ या घाट से, तुझे ऐसे क्या लिफ्ट नहीं चाहिए क्या? तू मुझे लिफ्ट देगा? हो जाए। क्या हो जाए? अबे ड्रामेबाजी छोड़ और मोटरसाइकिल लेके शरीफ बच्चों की तरह ट्रक में बैठ जा, मुझे देर हो रही है। समझा? समझे। सावन के नजारे हैं, ला 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 ला, सावन के नजारे हैं, ला 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 ला। आई स्टॉप। अबे यहाँ क्या सूंघ रहा? अरे सूंघ नहीं रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ। क्या ढूंढ रहा है? अपने अकल? अरे अपनी अकल नहीं, मेरे होने वाले ततुर जी, तुम्हारी अकल जो तुम्हारे पैरों के नीचे दबी हुई है। ये क्या है? ये जैकपॉट है। जैकपॉट? अरे यही तो बेबी की मोटरसाइकिल का नंबर प्लेट है, मगर मालूम होता है यही पर कोई गड़बड़ हुई है। गड़बड़ तो हुई है, पर बेबी कहाँ है? बेबी कहाँ है? 319 और ये 420। पहलवान जी, पहलवान क्या है? आपने इधर किसी मोटरसाइकिल सवार का एक्सीडेंट देखा था? नहीं बताऊंगा कि उसने बिस्किटी कलर की पैंट और लाल रंग का स्वेटर और लाल रंग की टोपी पहन रखी थी। अरे तो बता दो ना कि उसने लाल रंग की टोपी पहन रखी थी। नहीं बताऊंगा कि उसको लाल रंग के ट्रक वाले ने लिफ्ट दी थी और वो ट्रक इस तरफ गया। अरे तो बता दो ना कि वो ट्रक इस तरफ गया। अरे नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा कि उस ट्रक का नंबर 6086 था। नोट नोटेड मी लॉर्ड। नोटेड? क्या नोटेड? क्या तुम लोगों ने मुझे बेवकूफ समझ के रखा? बेवकूफ हम लोग हैं भाई। पानी 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 पानी। मत्था उठाओ ससुर जी, हनुमान भक्त चले गए। मैंने आज तक जिंदगी में ऐसा पहलवान नहीं देखा कि जो कहता है मैं कुछ नहीं बताऊंगा, मगर सब कुछ बता दिया उसने। मगर अब बात ये है, मालूम तो हो गया, अब करे क्या? करे क्या? भागती के पीछे भागो। भागो की होने वाले ठाकुर जी। बोलो। मैं तो भागती के पीछे भाग रहा हूँ, मगर तुम भागती के पीछे क्यों भाग रहे हो? बेटा मिठाई लाल, राय साहब करोड़पति आसामी है ना, तो जब उनकी भागती हुई बेबी को पकड़ कर हम लोग उनके सामने तस्करी में पेश करेंगे, करेंगे तो कम से कम 50,000 तो कहीं नहीं गया ना। तो उसमें आधा मेरा आधा तुम्हारा है? मान लिया। अच्छा, एक बात और सुन, अगर तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी है, करनी है ना, तो आधा हिस्सा तुम्हारा जो है वो मुझे देना। अच्छा मंजूर है। अब हमारा जानवरों का शिकार करना बिल्कुल बंद। क्या फिर किसका शिकार करेंगे? लड़की का। लड़की का? व्हाट नॉनसेंस। घबराओ नहीं डार्लिंग, ये माल के लिए लड़की के पीछे दोनों लगे हुए हैं और हमें इनका पीछा करना है। वेरी गुड आइडिया। भाभी आप तो खामखा परेशान हो रही हैं। लड़कियां इस उम्र में कभी कभी ऐसी गलती कर बैठती हैं। क्यों भांजे? अरे मामा मैं तो कह रहा हूँ राय साहब और मम्मी को सारे हालात मुझ पे छोड़ देने चाहिए। ये मेरा फर्ज है कि मैं अपने होने वाले ससुराल की इज्जत बचाऊं। अरे बेटे तुमने ये बात कहकर हमारा दिल हल्का कर दिया। तुम्हारी जगह कोई और लड़का होता तो हमारी सूरत देखना भी पसंद नहीं करता। आप तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। राय साहब, अजीत बेटे ने कुकू बेटे को ढूंढने के लिए दो आदमी ऑलरेडी भेज दिए हैं। लौंडे एक बात पूछूं? तू मुझे बार बार लौंडा ना कहा कर। लौंडा नहीं तो क्या लौंडिया कहूं? यूपी में लौंडा लड़के को कहते हैं। एक बात बता, तेरा नाम क्या है? सोचना पड़ेगा। सोचना पड़ेगा? सोचा सिंह। माँ बाप ने मेरा नाम सोचा सिंह रखा था,
लेकिन अब मैं सोचता हूँ कि अपना नाम बदल कर समझदार सिंह रख लूँ। अच्छा ये बता, तेरा नाम क्या है? वैसे तो मेरा नाम गोपाल है, मगर खूबसूरत लड़कियाँ प्यार से मुझे गोपी कह के पुकारती हैं। यार मैं भी तुझे गोपी कहूँगा। जबान खींच लूंगा। तू अपने आप को बड़ा खूबसूरत समझता है क्या? और तू अपने आप को बड़ा गुलफाम समझता है क्या? हाँ हाँ समझता हूँ, किसी के बाप का डर है। ए, ए, देखा, बाप तक नहीं पहुँचना, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तो आला, मेरी गाड़ी में बैठ कर मुझे धमकी देता है। उतर जा, मैं कहता हूँ मेरी गाड़ी से उतर जा। लो अब इसमें उतरने चढ़ने की बात कहाँ से आ गई? अगर तुम्हें मेरा गुलफाम कहना इतना ही बुरा लगता है तो मैं सॉरी बोल देता हूँ। मुझे माफ नहीं करोगे? ए, क्षमा निकाल। क्या निकाल? माचिस। ओफो, मैं बीड़ी सिगरेट नहीं पीता। क्या तू बीड़ी सिगरेट नहीं पीता? नहीं। तो क्या अभी तक अपनी अम्मा का दूध पीता है? तू तो बात बात पे रुबाब झाड़ता है। ला, तू भी क्या याद करेगा, अभी जलाकर लाता हूँ। ए, तुमने देखा है? चुप, अब मैं पूछता हूँ। हम दोनों पुलिस वाले हैं, तुम पूछो। यहाँ से जाते हुए देखा है? फट फुट फट फुट। अब मैं पूछता हूँ, तुमने कोई मोटरसाइकिल देखी है? मोटरसाइकिल यानी के फटफटी, जिसका नंबर है 1680। नहीं, चुप। MMC 1860। अब मैं पूछता हूँ। गाड़ी तो वही है 1860। हाँ, MNC। गाड़ी तो मिल गई। मिल गई। वो मिल जाएगी। मिल जाएगी। हाँ, गाड़ी तो यही है। बैठने वाले किधर है? किधर है? तो बैठने वाली नहीं, बैठने वाला है। अरे हाँ, भाई, मगर है किधर? पहले ये बताओ वो है कौन? ओ, जो डाकू उसने मेरा मर्डर किया है। हाँ, नहीं, उसने मेरा पैकेट मारा है। चलिए चलिए। तो वही ना, जो बिस्किट कलर का सूट, लाल रंग का स्वेटर, लाल रंग की टोपी पहना। तो वो यहाँ है। सुनो, माचिस है क्या? बीड़ी है। पकड़ो। पकड़ लिया, आप भी पकड़िए। थैंक यू। जंगल है मंगल। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, साले के पीछे पुलिस लगी थी। जरूर कोई चोरी करके भागा होगा, लेकिन मुझे उससे क्या। तेरी तो
बत्ती क्यों जला दी? सोना नहीं है क्या? एक साथ? क्यों? डर लगता है क्या? जब से चाबी हाथ लगी है बहुत बोलने लगा। अबे ये क्यों नहीं कहता कि तेरी बोलती बंद हो गई? कोई बात नहीं, हर किसी के दिन आते हैं। इस वक्त तो रात है यार, चला जा झप्पी मार के सो जाए। अबे हट, बड़ा आया झप्पी मार के सोने वाला। अरे मैं कुछ बोलता नहीं हूँ तो बोलता ही जाता है, पता नहीं कहाँ से पल्ले पड़ गया मेरे। झप्पी मार के सोएंगे। लौंडे जरा माचिस फेंक दो। सो गया क्या बे? ये तो सचमुच सो गया। साले तेरे पैर तो पाकीज़ा से भी ज्यादा नाजुक है, हैं? मैं नहीं जानता था कि इसकी चाबी इतनी जल्दी मेरे हाथ लग जाएगी। थैंक यू गॉड, थैंक यू। देखा, अगर मैं मर गया तो तू मेरी लाश पर रोने के लिए भी नहीं रुकेगा। अरे ये काम तो बड़ी खुशी से करूंगा। क्या बोला? तू इंसान है या मक्खी? जब भी मैं रबड़ी खाने बैठता हूँ मेरे पेट में आगे गिरता है। बिल्कुल झूठ, जब भी मैं गिरता हूँ तुम रबड़ी की प्लेट मेरे सामने रख देते हो। झूठा इल्जाम, वाह क्या स्पीड है तेरी। अरे अपना तो हर काम स्पीड में होता है बच्चे। तो फिर जाए। हाँ हटा कर बात कर। अबे इतनी सी चोट पर इतना चिल्लाता है? चल केला खा ले ले। अबे लड़कियों की तरह क्या खाता है, लड़कों की तरह खा। आ, क्या अंदाज़। अगर तू लड़की होता ना तो मैं बकरियों की तरह मैं क्या करता है? बकरियों की तरह नहीं, बकरों की तरह। फिर आज चालाकी शुरू कर दे। हट। अच्छा चल ये बता, तूने कभी प्यार किया है? प्यार? अबे बोलना साले, तूने कभी इश्क किया है? बोलता हूँ यार, मेरे पिताजी ने एक बार एक काला कुत्ता पाला था, मैं उससे बहुत प्यार करता था। बस इसे। अबे खोचू, मैं इंसान की बात कर रहा हूँ, इंसान। फिर वो हरकत, मुझे प्यार व्यार नहीं आता।
अरे साले, प्यार वो चीज है जो एक बार इंसान को हो जाए तो फिर खलास, जिंदगी भर साथ नहीं छोड़ता, इसी के सहारे जीता है, इसी को लेके मरता है। अच्छा मैं तुझे सिखाता हूँ, थोड़ी देर के लिए तू ये समझ ले कि तू लड़का नहीं लड़की है। क्या लड़की? और मैं तेरा आशिक, तेरा मेरा झगड़ा हो गया है और मैं तुझे मनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐ मेरी जाने बहार, ऐ मेरी गुले गुलजार, ऐ मिस्टर आशिक बगदाद, जरा होश में आओ। होश तो अब तेरे ठिकाने आएंगे। ए कहाँ जा रहे वे? कुछ काम ऐसे होते हैं जो किए जाते हैं कहीं नहीं जाते। तो 5 मिनट ठहर, मैं 1 घंटे में आता हूँ। 5 मिनट? 1 घंटा? हंजा बताओ तुम कौन हो और क्यों हमारे पीछा कर रहे हो? उस लड़के ने मुझे आंख मारी। अरे आंख ही तुम्हारी है ना, पत्थर थोड़ी मारा है। देखो भाई, कभी कोई लड़का लड़के को आंख मारता है वो पठान है क्या? देखो चू, वो लड़का नहीं लड़की है। लड़की? और से देख, उसकी नीली नीली आंखें, हाँ। उसके गोरे गोरे गाल, हाँ हाँ। उसके लंबे लंबे बाल। अरे अरे ये तो मेरी मेरी गर्लफ्रेंड है। खोचू, अगर इस तरह जाएगा तो पता है क्या होगा? क्या होगा? जूते पड़ेंगे जूते। तो क्या करें? क्या मैं कोई तरकीब लड़ाता हूँ? हाँ, जल्दी लड़ा। अबे मुरारी, भागता कहाँ है? पूरी तरह तैयार तो हो जा। चल शुरू हो जा गुजराती हीरो। मैं तो कुछ खाता भी नहीं, सिर्फ 2 बजे दिन के 12 प्लेट बिरयानी, 13 प्लेट जर्दा, 14 शेर दूध की खीरनी खाकर सो जाता हूँ, बाकी कुछ नहीं खाता। कुछ नहीं खाता, बिल्कुल नहीं खाता।
ये तो मर गया। अब क्या होगा? सबसे पहले लाश को नमस्कार करना चाहिए। कीजिए। राम नाम सत्य है, मुर्दा बड़ा मस्त है, राम नाम सत्य है। क्या हुआ? पहले तो आधा मरा था, पूरा मर गया। अब क्या होगा? होगा क्या, पुलिस आएगी और तुम्हें दुल्हन बनाकर ले जाएगी। नहीं नहीं गोपी, नहीं, मेरी मदद करो ना। ठेका ले रखा है क्या? तेरे मेरा वास्ता ही क्या है? पहले तो लड़का बनी, फिर चोर बनी, फिर लड़की बनी और अब खूनी बनकर मेरे सामने खड़ी है। मैं तेरे चक्कर में नहीं पड़ने वाला, मैं चला, गुड बाय। नहीं नहीं गोपी प्लीज। गोपी मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, भगवान के लिए मेरी मदद करो। पहले पैर छोड़, खड़ी हो जाओ, आंसू पोछो और अब नाक साफ करके ये बताओ कि तुम कौन हो, कहाँ से आई हो और कहाँ जाना है। मैं राय साहब की बेटी कुकु हूँ। कुकु? हाँ। वही राय साहब जिनका कारोबार सारे हिंदुस्तान में फैला हुआ? हाँ। वही वो मेरी मर्जी के खिलाफ मेरी शादी करना चाहते थे। यही वो लड़का है जिसे पाकर तू अपना जीवन स्वर्ग बना सकती है। अच्छा तो आप घर से भागी हुई हैं। यू अंडरस्टैंड माई पोजिशन, क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगी? नियो, क्या भरोसा? अगर तेरे बाप ने मुझे पकड़कर तेरा दूल्हा बना दिया तो मैं बेमौत मारा जाऊंगा। ए तिस्मार खान, जरा देख तू क्या बुराई है मुझ में। अच्छाई भी क्या है तुझमें? अच्छाई? ये लंबे लंबे बाल, ये गोरे गोरे गाल, ये नीली नीली आंखें, क्या मैं तुझे खूबसूरत नहीं लगती? वैसे तेरी आंखें बड़ी खूबसूरत हैं। सिर्फ आंखें? फिलहाल तो आंखें ही दिखाई दे रही हैं। मुझे तुमसे ये उम्मीद न थी। आई एम गोइंग, गुड बाय। गुस्से में तुम और भी खूबसूरत दिखती हो। थैंक यू। ये थैंक यू बाद में करना, पहले जाके ट्रक में बैठ जाओ, मैं लाश ठिकाने लगाता हूँ। अभी सो गया था क्या? हाँ जरा नींद आ गई थी। लड़की कहाँ है? लड़की? लड़की ऊपर है। हाँ। और तेरा काम 100% हो गया है। थैंक यू। मैंने लड़की को पटा ही लिया। अच्छा। लेकिन तो अभी उससे मत मिल। क्यों क्यों? वो बहुत गुस्से में है। फिलहाल तू पतली गली से खंबे को बचा के निकल जा घर। मैं नहीं जाऊंगा। बच्चे निकल जा, मेरी बात मान। मैं लड़की से मिले बगैर नहीं जाऊंगा। नहीं जाएगा? नहीं नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाऊंगा। तू जब भी देखो मुझे लल्लू, ए, अरे 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 काय को बांधता है, बचाओ बचाओ। ए, ए, क्या कर रहा है? ए, ए, अरे अरे क्या कर रहा है? अरे देख, अरे मुझे क्यों बांधते भाई, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? अब मुझे छोड़ो। चाली हो देखो मिन साहब, जान जोखिम में डाल के तेरी जान तो बचा ली, अब बदले में क्या मिलेगा? क्या चाहते हो? दोगी? दूंगी। प्रॉमिस? तुम मांग कर तो देखो। तो हो जाए? क्या हो जाए? वही वही क्या? जो एक बार इंसान को मिल जाए तो बस खलास।
जिंदगी भर साथ नहीं छोड़ता। जानती है वो चीज क्या है? प्यार। थक गई मैं तो चलते चलते। इतनी जल्दी चलते चलते? उफरी मोहब्बत चलते चलते। हरी जवानी चलते चलते। प्यास लगी है चलते चलते। प्यास बुझा दूं चलते चलते? पास तो अच्छा चलते चलते। फिर वही हरकत चलते चलते। मिल गया बुद्धू चलते चलते। ये नहीं कहना चलते चलते। इतना गुस्सा चलते चलते। जाता हूँ मैं चलते चलते। जाके तो दिखा चलते चलते। ला मेरा बाजा चलते चलते। एक शर्त पे चलते चलते। कैसी शर्त पे चलते चलते? दीदी चलते चलते। चलते चलते प्यार दे दे चलते चलते। ओ Long ago, high on a mountain in Mexico, lived a young shepherd boy, Angelo, who met a young girl and he loved her so. Rich was she, came from a very high family, Angelo knew it could never be, they ran away to their destiny. क्या हुआ? अरे क्या बताऊं बेटा, रास्ते से गुजर रहा था तो एक पागल कुत्ता पीछे पड़ गया। देख लो ना मेरी क्या हालत है। आप ठहरिए मैं देख के आता हूँ। देख लो बेटा, देख लो। बिल्कुल तुम्हारी तरह। कौन? मेरी बेटी। और कौन? उसी के लिए बेटी, मैं ये मिठाई लेके उसके घर जा रहा था मगर ये रास्ते में कुत्ता। यहाँ दूर दूर तक कोई कुत्ता नजर नहीं आ रहा। वो तुम्हें देख कर भाग गया होगा। खैर छोड़ो इन बातों को। किसी ने क्या खूब कहा है कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। ये खाओ बेटी। क्या है? रसगुल्ला। देखो ना, लो खाओ। लो बेटे, तुम भी खाओ बेटा। खाओ। सब खा गए होने वाले ससुर जी। तो अब ये गिरने वाले हैं बेटा जी। तुम्हारा जाल तैयार है? जाल तैयार तैयार है तो हम भी छोड़। लगता है रसगुल्ले में कुछ खिला गया है मेरे को। घूम रहा है सब। अच्छा है, बहुत मजा आ रहा है। इस तरफ अरे ये तो हमारा मैनेजर है मिठाई लाल। और साथ में वो रसगुल्ले वाला बुड्ढा भी है। लगता है मुझे पकड़ने के चक्कर में इन लोगों ने हमें चक्कर में डाल दिया। कोई बात नहीं, हम इनको भी घन चक्कर बना देते हैं। चलो। देखो तुम, वो भागे चले जा रहे हैं। देखो क्या भाग भागती के पीछे। मार गयो रे हम, मार गयो रे रसगुल्ला घुमाए के। मार गयो रे हम, मार गयो रे हम, मार गयो रे रसगुल्ला घुमाए के। मार गयो रे हम, मार गयो रे हम, मार गयो रे रसगुल्ला घुमाए के। मार गयो रे हम, मार गयो रे। Thank you.
तो सनम तुम्हें है कसम, जमाना बुरा है तुम ऐसा ना करना। तो फिर मैं क्या करूं दिलदार? इंतजार। मार गए रे, मार गए रे रसगुल्ला। होने वाले ससुर जी मेहनत गई बेकार। इंतजार। हे मार गयो रे, हे मार गयो रे रसगुल्ला घुमाएंगे, मार गयो रे, हे मार गयो रे तो मार गयो रे रसगुल्ला घुमाएंगे, मार गयो रे ओ मार गयो रे। अपनी बिगड़ी बनाने आए हैं, कव्वाली में लोरी सुनाने आए हैं, मुकद्दर है सोया जगाने आए हैं। मेरे होने वाले ससुर जी मेहनत गई बेकार। इंतजार। मार गयो रे, मार गयो रे रसगुल्ला घुमाई के, मार गयो रे, मार गयो रे, मार गयो रे रसगुल्ला घुमाएंगे, मार गयो रे ओ मार गयो रे। रसगुल्ला पहला दूजा जो बाप जी ने मारा तो सह गए हम, रसगुल्ला प्रेम भरा जो आप जी ने, जो आप जी ने, नहीं नहीं जो आप जी ने मारा तो रह गए हम। तो फिर मैं क्या करूं जाने बहार? ओ मार गयो रे, ओ मार गयो रे रसगुल्ला घुमाई के, मार गयो रे, ओ मार गयो रे, हाँ मार गयो रे रसगुल्ला घुमाई के, मार गयो रे, ओ मार गयो रे, हाँ मार गयो रे रसगुल्ला घुमाई के, मार गयो रे, ओ मार गयो रे। हैंड्स अप, दोनों उतर जाओ वरना गोली मार दूंगा। निकलो बाहर वरना गोली मार देंगे। चलो चलो। हाँ चलो बढ़ो आगे। तुम लोग नहीं चले तो मैं गोली मार दूंगा। हिलना मत वरना गोली मार दूंगा। हिलना तो नहीं तो हम गोली मार देंगे ऐसे। अरे
ये तो वही लोग हैं। अरे मारो पकड़ो, ये पैसे मांग रहे हैं। अरे तुम्हारे मारने से और हमारे मार खाने से वो दोनों वापस नहीं आने वाले हैं। अरे ये लोग कहाँ गायब हो गए? चक्कर हो गए और अब तुम तीनों हमसे हाथ मिलाए बिना उनकी जूतियाँ तक पा नहीं सकोगे। तुम दोनों बेईमान हो, पहले भी मिठाई में भांग खिला चुके हो। अरे भांग तो हमने उनको भी खिलाई थी, मगर वो हमको भंगेरी बनाकर चले गए। मैं तो कहता हूँ समझौता कर लो, कर लो, कर लो, कर लो। समझौता कर लो, कर लो समझौता। अरे पागल, अरे मेरे कपड़े क्या करते हैं? अरे अरे मेरे कपड़े दे दे, अरे मेरे कपड़ों को खराब मत कर। ओ पागल, ओ पागल मेरे कपड़े दे दे। देख मेरे से मजाक मत कर, मैं बात करता हूँ। अरे मेरे कपड़े, अरे कोई है? अरे मदद करो, अरे मेरे कपड़े दे दे। अरे देख मैं भाग नहीं सकता। मुन्ने क्या हो रहा है? जब देखो फोटोग्राफी फोटोग्राफी, न सीना न परोना न खाना पकाना, आखिर सब है क्या? अंकल देखिए, मैंने एक मर्डर एक्सपोज किया है। मर्डर? हाँ देखिए देखिए। ओहो, ये तो राय साहब की बेटी कुकू की तस्वीर है। डार्लिंग ये कुकू कौन है? ओ डार्लिंग, ये तुम नहीं समझोगी। अंकल देखो, इस आदमी से कह दो अगर इसने किसी और लड़के की तरफ आंख उठाकर देखा ना तो मैं इसकी आंखें फोड़ दूंगी। मोना, ये बिजनेस है, तुम हमें सिर्फ उस जगह ले चलो जहाँ ये हादसा हुआ है। मगर अंकल, कम ऑन कम ऑन, लेट्स गो डार्लिंग, कम ऑन। अरे रोको रोको, लिप लिप रोको। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। इसे मत छूना, ये भूत है। नहीं मैं भूत नहीं हूँ, मैं हूँ, मैं नहीं, ये भूत है, मैंने तो इसे मरा हुआ देखा है। अरे मरने वाला कोई पागल था, उसने मेरे कपड़े पहने थे। शर्मा जी कुछ पता चला? एक्सीडेंट से चेहरा बिल्कुल बिगड़ चुका है, मगर मरने वाले की जेब से ये कुछ कागजात मिले हैं जिससे पता चलता है कि मरने वाला मोटरसाइकिल चैंपियन हवा वाला था। मेरा ख्याल है इसके घर पर इंक्वायरी करने से असलियत का पता चल जाएगा। आइए चलें। चलिए। समझे मामा? समझ गया भांजे, जो काम कुक्कू अधूरा छोड़ गई थी उसे हम पूरा करेंगे। आखिर कब तक ये भागदौड़ चलती रहेगी? जब तक जिंदगी है। तेरी कोई मंजिल भी है? मेरी मंजिल तो मेरे सामने है। तुम मर्द लोग बड़े खराब हो, तुम लोगों को उंगली पकड़ने को दो तब पोंछा पकड़ लेते हो। लेकिन क्या हुआ? क्या अगर कोई देख लेता तो? तो उसमें क्या होता? बदनामी होती। अरे इस जंगल में है कौन देखने के लिए? वो देखो। मुझे क्या मालूम था कि इस जंगल में आपके रिश्तेदार भी रहते हैं। अगर गिर जाती तो? मुझे संभालने वाले पर विश्वास है। रात के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? रात के बारे में? हाँ मतलब रात ना गुजारेंगे?
प्रॉब्लम आइडिया, यहाँ पास ही में मेरे डैडी का बंगला है, वहाँ कोई नहीं रहता। वेरी गुड आइडिया। बस आज हम रात वहीं गुजारेंगे। अलग अलग? जी नहीं, एक साथ। आइडिया ससुर जी, होने वाले। अरे होने वाले ससुर जी, यहाँ से कुछ दूर पर राय साहब का फार्म है, होना हो बेबी वहीं गई होगी। अबे बेवकूफ, तो इसमें चिल्लाने की क्या बात थी, यही बात धीरे से मेरे कान में कह दिया होता। फिर चालाकी करने की कोशिश की, इस बार धोखा दिया तो याद रखना। आप बात बात में बंदूक क्यों तान लेते हैं? मैंने तो इसलिए कहा था कि पेड़ पौधों को भी कान होते हैं। घंटी कहाँ बज रही है? पास ही शिव भगवान का मंदिर है, उसी मंदिर की घंटी बज रही होगी। ओह, मैं समझा कि खतरे की घंटी बज रही है। चलो वहां चलकर प्रार्थना करते हैं। ना बाबा ना, मैं इस पूजा पाठ के चक्कर में नहीं पड़ने वाला। क्यों, क्या तुम नास्तिक हो? आस्तिक भी नहीं। और फिर जिस आदमी को बिन मांगे ही तुम जैसी देवी मिली हो, वो किसी देवता के चक्कर में क्यों पड़े? तो चलो चलकर शुक्रिया अदा करें। मेरी तरफ से तुम ही कर दो। जानते हो मैंने तुम्हारा माथा क्यों चूमा? इसलिए कि मैं तुम्हारी तकदीर बनना चाहती हूँ। जानती हो मैंने तुम्हारी आंखें क्यों चूमी? इसलिए कि मैं तुम्हारे सारे आंसू पी जाना चाहता हूं। घंटी बुला रही है। तुम जल्दी जाओ और फौरन वापस चले आओ। तुम 5 मिनट ठहरो, मैं 1 घंटे में आती हूँ। गुड इवनिंग शिव जी। माफ कीजिएगा, आप तो जानते हैं जब भी मैं यहाँ आती हूँ पहले आपके दर्शन करने आती हूँ। और ये भी जानते होंगे कि आज मैं अकेली नहीं, अपने उनके साथ आई हूँ और जन्म जन्म तक उनके साथ रहना चाहती हूँ। थैंक यू शिव जी, थैंक यू वेरी मच। गोपी इधर आ। मुझे तेरी ही तलाश थी। क्यों? ले ये खत पढ़ ले, सब पता चल जाएगा। पढ़ लिया ना? अगर पैसों का बंदोबस्त नहीं हुआ तो मौत के सिवाय कोई चारा नहीं। आज आखिरी रात है, रुपया या मौत। गोपी, पूछो तो गोपी मैंने भगवान से क्या मांगा। अरे तुम इतने सीरियस क्यों हो, क्या बात है? कुछ नहीं। नहीं, जरूर तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। बताओ तुम्हारे हाथ में क्या है? अरे बहुत हरगन गोपी, तुम कुछ
बदले बदले से लग रहे हो। मैं नहीं बदला, हालात बदल गए हैं। हालात तो उस दिन बदलेंगे जिस दिन हमारे सपने सच होंगे। हर तरफ रोशनियां जगमगा रही होंगी, दूर दूर तक शहनाइयों की आवाज गूंज रही होगी। तुम और मैं और तुम, नहीं बताऊंगी, हरगिज नहीं बताऊंगी। बेटा साथ पकड़ लिया, नानी अम्मा का सर पकड़ लिया, मैं हूँ तुम लोगों का बाप। ये क्या हो रहा है, कौन हो तुम लोग? अच्छा तो हम लोगों से पूछे हो कि तुम लोग कौन हो? अरे इन दोनों के चक्कर में आना मत, ये दोनों वही हैं। कौन? अरे वही लड़की और लड़का, यानी के 50,000 की हुंडी। इन दोनों ने मेकअप कर रखा है। अरे होने वाले सब बेहद, हमने भी नौटंकी में बड़े बड़े रूप धारण किए हैं, हमसे एक्टिंग बाजी नहीं चलेगी। हम अच्छी तरह जानते हैं कि तुम हो राय साहब की लड़की और ये वो फटीचर ड्राइवर। हम आ जा यार। अरे होने वाले ससुर जी, ये राय साहब हैं और ये पुलिस कमिश्नर साहब है। मालिक 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 मिठाई लाल रसगुल्ला मार गए, घुमा के रसगुल्ला, रसगुल्ला मार गए, अरे घुमा के रसगुल्ला। हेलो, आपका फोन। हेलो, हाँ मैं ऐसा बोल रहा हूँ। आपकी बेटी कुकू मेरे कब्जे में है। क्या? अगर आप उसे पाना चाहते हैं तो 17,000 रुपए एक घंटे में मुझे अदा कीजिए। कौन हो तुम? अगर आप ये जान भी गए तो आपका पुलिस की मदद लेना आपकी बेटी के लिए नुकसानदेह साबित होगा। लेकिन इस वक्त वो है कहाँ? ये तो आपको उसी वक्त पता चलेगा जब आप 17,000 की रकम एक छोटे से ब्रीफ केस में रख के पानी वाले पुल के पीछे पुराने चर्च में रख देंगे। तुम फिक्र मत करो, तुम्हें रुपया मिल जाएगा, लेकिन इस बात का वादा करो तुम उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। वादा किया, 17,000 रुपए पुराने चर्च में ठीक एक घंटे बाद। नहीं, सवाल सिर्फ मेरी बेटी की जिंदगी का नहीं, मेरी इज्जत का भी। याद है मैंने तुमसे कहा था तुम एक पुलिस कमिश्नर नहीं एक दोस्त बनकर मेरी मदद करोगे। हाँ, मुझे दोस्त बनाकर ही साथ ले चलिए। हरगिज़ नहीं, मैं अकेला ही जाऊंगा। नहीं, आप कानून का मजाक उड़ा रहे हैं। मैं कुछ नहीं जानता, मैं जा रहा हूं और मेरे लौटने तक तुम यहीं ठहरोगे। ए, कहां जा रहा है? बोलना कहां जा रहा है? मैं जानती हूं तू कहां जा रहा है, तू सौदा करने जा रहा है ना? कल तूने अपना स्वेटर बेचकर मुझे रोटी खिलाई थी ना, आज शायद किसी और चीज का सौदा करने जा रहा है। और सच पूछ गोपी, तू मुझे भूखी नहीं लगती, तुझे देखकर ही मेरा पेट भर जाता है। सच कहा था तूने, अगर एक बार इंसान को जिंदगी में प्यार हो जाए तो बस फिर खल्लास, जिंदगी भर साथ नहीं छोड़ता। और फिर तेरे साथ तो मैंने जिंदगी को जीना सीखा है, तेरे ही साथ मरने की तमन्ना भी है। इतना विश्वास मत करो मुझ पे, कहीं मैं दामन छुड़ा लूं तो तुम्हारी अपनी जिंदगी तुम पर बोझ बन जाए। भला कोई अपने दामन का भी दुश्मन बना है? कभी कभी तकदीर इंसान को अपने आप का भी दुश्मन बना देती है। तू पागल है रे, शायद तू मेरी अमीरी से डरता है। गोपी, जिस तरह तूने मुझे प्यार किया है, मेरी अमीरी से भी मोहब्बत कर। मैंने तेरे साथ तेरी गरीबी को भी चाहा है। तुझे पाने के लिए अगर मुझे अपना घर बार धन दौलत सब कुछ छोड़ना पड़े तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगी। मुझे सिर्फ तू चाहिए, तू, सिर्फ तू।
ठीक वक्त पे आ गए। उम्मीद है आप खाली हाथ नहीं आए होंगे। अब बैग बंद कीजिए और अपने दाहिने तरफ की खिड़की से बाहर फेंक दीजिए। लेकिन मेरी बेटी? आपकी बेटी का पता टेप रिकॉर्डर में मिलेगा और टेप रिकॉर्डर चर्च की सामने वाली दीवार में है। आपकी बेटी कुकू चर्च के पीछे पुराने रेलवे यार्ड में बोगी नंबर 1270 में मिल जाएगी। बोगी नंबर 1270। डैडी। बेटे, बेटे। डैडी, आपने तो खामखा आने की तकलीफ की, मैं तो खुद ही एक दो दिनों में आने वाली थी। शाबाश है बेटी, कहते ऐसे रही है जैसे भाग कर नहीं पिकनिक मनाने गई थी। ऑफ कोर्स, कौन कहता है मैं भाग कर गई थी? डैडी, मैं भाग कर गई थी क्या? नहीं बेटी, तेरी माँ तो मजाक कर रही है। डैडी, मैं आपको एक फैंटास्टिक न्यूज सुनाना चाहती हूँ। मुझे शर्म आती है। अच्छा सुनिए, मैंने वो लड़का ढूंढ लिया डैडी। कौन? वही जिससे मैं शादी करना चाहती हूँ। जिससे तुम शादी करना चाहती हो? कहीं वो ये आदमी तो नहीं? Yes, of course, यही है वो हैंडसम। हेलो हैंडसम, देखिए डैडी है ना हैंडसम, आपको पसंद है। लेकिन अंकल, आपको ये पर्स कहाँ से मिला? टेप रिकॉर्डर के पास। अगर ये वही आदमी है जिसे तुम अपना जीवन साथी चुनना चाहती हो तो ये जान लो बेटी, इसने अभी अभी तुम्हारे डैडी को ब्लैकमेल किया है। What? Yes, 17,000 रुपए लेकर तुम्हें राय साहब तक पहुंचाने वाला यही वो आदमी। डैडी, क्या ये सच है? बोलिए ना डैडी, क्या ये सच है? ये गलत भी नहीं। क्या मुझे अब भी कानूनी कार्रवाई करने से रोकोगे? हाँ, मैं इस बात को यहीं खत्म कर देना चाहता हूं। क्या सोच रहे हैं? सोच रहा था अगर आज कुकू को कुछ हो जाता तो अपने दोस्त को दिए हुए वचन पर पानी फिर जाता। पार्वती, आज मुझे वो रात याद आ रही जब कुकू के माता पिता ने मरते वक्त उसे हमारी झोली में डालकर वचन लिया था कि इसकी परवरिश में कोई कमी ना आने देना और वक्त आने पर किसी अच्छे लड़के के साथ इसका घर बचा देना। हम तो आज भी वचन निभा रहे हैं, हमने उसे अपनी औलाद से बढ़कर प्यार किया है। वो तो सब ठीक है, लेकिन आप कहते कहते रुक क्यों गए? कुछ डर सा लग रहा है कुकू वो गलती ना कर बैठी हो जो कभी जवानी में हम लोग कर बैठे थे। मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ये चिंता की नहीं, खुशी की बात है। लेकिन क्या समाज एक बिन बिहाई औरत के बच्चे को कबूल कर लेगा?
आज से हम दोनों पति पत्नी, भगवान साक्षी। ये सब झूठ था, उसके मन में खोट था और इसलिए उसने शादी से पहले तुम्हें मां बना दिया। कम बात दो दिन का वादा करके गया और आज तक शक्ल नहीं दिखाई। दे दो ये बच्चा मुझे। नहीं भैया, एक औलाद उसकी माँ से जुदा मत करो। क्या आप जानते नहीं, ये मेरा पहला और आखिरी बच्चा है। मैं जानता हूँ कि डॉक्टर के कहने के मुताबिक ये तुम्हारा पहला और आखिरी बच्चा है, लेकिन ये पाप है पाप। नहीं। अगर ये रहा तो मुझे भी इसके साथ रुसवा होना पड़ेगा। दे दो ये बच्चा मुझे। मैं कहता हूँ दे दो ये बच्चा मुझे। मैंने जो कहा था वो याद है ना, इसे लेकर इतनी दूर चली जाओ कि तुम्हारा ख्याल भी हम तक न पहुंच सके। और ये लो, ये तुम्हारा काम आएंगे। दुनिया में आज तक किसी माँ ने अपने दूध की कीमत वसूल नहीं की। मेरी भी औलाद थी जो पैदा होते ही परलोक सिधार गई, लेकिन अब भगवान ने मुझे औलाद दे दी। भगवान ने मुझे औलाद दे दी। पार्वती, पार्वती मैं आ गया हूँ। ये क्या किया मैंने? कितना अच्छा होता अगर हमारा बेटा यहाँ होता तो कुकु की शादी उससे कर देते, लेकिन न जाने वो बेचारा कहाँ होगा। चंदू। हाँ माँ जी। तूने वो खत मेरी बेटी के हाथ में दिया था ना? हाँ माँ जी, मैंने अपने हाथों से वो खत उसके हाथ में दिया था। फिर अभी तक गोपी क्यों नहीं आया? गोपी, बेटा। माँ, गोपी। माँ तू यहाँ? हाँ बेटा, वो अजीत के आदमी बस्ती को आग लगा रहे हैं। कमीने कुत्ते। साले, वे लोग तो भाग गए, लेकिन हम लोग भाग कर कहां जाएंगे? आज नहीं तो कल वे हमें बस्ती से बाहर निकाल कर ही दम लेंगे। अब ऐसा नहीं होगा। इस बैग में बस्ती के किराए के साथ साथ जमीन की कीमत भी मौजूद है। आज के बाद कोई माई का लाल तुम्हें इस बस्ती से निकाल नहीं सकता। हाँ चल। मेरे गोपी की, मेरे गोपी की। बेटा एक बात पूछूं, इतना पैसा तू कहां से लाया? ये मत पूछ मां, क्योंकि सच मैं बता नहीं सकता और झूठ मैं बोलना नहीं चाहता। इंस्पेक्टर, चैंपियन हवा वाला केस के सिलसिले में हम कहां तक पहुंचे? सर, चैंपियन के घरवाले हॉलिडे मनाने के लिए कश्मीर गए हुए थे, कल ही वापस लौटे। इंक्वायरी करने पे पता चला कि उसके हाथ में एक कीमती घड़ी भी थी, तकरीबन 10,000 रुपए की, जो लाश के हाथों से गायब है। 10,000 रुपए की? जी हाँ। इंस्पेक्टर, क्या ये मुमकिन नहीं किसी ने चैंपियन हवाला का मर्डर करके उसकी घड़ी उतार ली हो और उसकी लाश को मोटरसाइकिल समेत किसी खाई में फेंक दिया हो? इट इज पॉसिबल सर। मेरे ख्याल से हमें ऐसे लोगों का पता लगाना चाहिए जो उसे बहुत करीब से जानते हो, आई मीन उसके कुछ खास दोस्त। ओके सर। Thank you.
एक्सीडेंट हो गया। बेटे माँ जी माफी चाहता हूँ मैं। नहीं बेटे, दरअसल मेरी गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया था। जानता हूँ, तभी तो मैंने अपना ट्रक आपकी कार के आगे लगा दिया, वरना आपकी कार इस खाई में होती। अगर तुम नहीं होते। ना 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 ना, आप ये मत कहिए कि मैंने आपको कोई एहसान किया है। गोपी, बेटे, गोपी, बेटे, बच्चे, बेटे, अरे, तुझे कुछ हुआ तो नहीं? अरे कैसे हो सकता है? देखो तुम्हारे सामने हट्टा-कट्टा खड़ा हूँ। अरे ये क्या? तेरे माथे से खून निकल रहा है। अरे नहीं भाई, ये तो मामूली बात है। अरे माथे से खून निकल रहा है और तू कह रहा है मामूली बात है? अरे पर ये सब हुआ कैसे? माँ, दरअसल ऐसे हुआ कि इनकी गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया था। गाड़ी का? अमीरों की गाड़ी में ब्रेक ही कहाँ होते हैं बेटा। पैसे वाले तो चलना जानते हैं, वो भी सर उठाकर, और चलते समय रास्ते में उनकी अपनी औलाद भी आ जाए तो वो परवाह नहीं करते। इनका काम तो चलना है बस। नहीं बहन, ये एक हादसा था और हादसे जानबूझकर नहीं होते। सेठानी जी, जिस माँ ने अपने बच्चे के पैर में कांटा तक चुभने न दिया हो, वो अपने बेटे के माथे पर जख्म देखकर कैसे चुप रह सकती? लगता है तुम्हारी कोई औलाद नहीं, वरना इसके माथे का खून तुम्हारी आंखों से आंसू बनकर टपकता। अरे माँ, ये क्या कह रही है? मुझे तो इस बात की खुशी है कि इनके कहीं चोट नहीं आई। पर तू तो जानती है माँ, इन जख्मों का तो मैं बचपन से आदी हूँ। ये दर्द तो मैंने जन्म से पाया। खैर, आइए माँ जी, मैं आपको घर छोड़ाऊँ। नहीं बेटे, मैं काफी शर्मिंदा हूँ, अब और मुझे शर्मिंदा मत करो। नहीं बहन, ये तुम्हें शर्मिंदा नहीं कर रहा है। कुछ लोग दुनिया में ऐसे होते हैं जो दूसरों का दुख उठाकर सुख पाते हैं। जा बेटा, इन्हें छोड़ा। आइए, आओ बेटे अंदर आओ। अच्छा माँ जी, मैं चलूं? तुमने मेरे लिए बहुत तकलीफ उठाई बेटे। अगर आपने मेरा शुक्रिया अदा किया तो मुझे दुख होगा। अगर तुमने इसे कबूल नहीं किया तो मुझे बहुत दुख होगा। माँ जी, अगर आप सचमुच सुख पाना चाहती हैं तो मुझे एक गिलास पानी पिला दीजिए। तुमने मुझे माँ कहा बेटे? माँ अपने बच्चे को पानी नहीं, दूध पिलाती है। तुम बैठो, मैं भी आती हूँ। आओ जी, बैठो। हाय ब्लैकमेलर, लगता है पैसे खत्म हो गए। इस बार कितने लेने आए हो? 10,000, 20,000, 50,000? बोलो बोलो, शर्मा क्यों गए मिस्टर फ्रॉड? मैंने अपने इन हाथों से जितनी दौलत उड़ाई है, शायद तुमने अपने पैरों से उतनी मिट्टी भी नहीं उड़ाई होगी। दौलत के लिए तुमने मोहब्बत जैसी पाक चीज का सौदा किया। तुम जिंदगी में कभी सुखी नहीं रहोगे। जिंदगी सिर्फ मोहब्बत नहीं, कुछ और भी है। जुल्फ रुखसार की जन्नत नहीं, कुछ और भी है। भूख और प्यास की मारी हुई इस दुनिया में, इश्क ही एक हकीकत नहीं, कुछ और भी है। मैं तुमको अच्छी तरह जानती हूँ गोपी, तुमने बहुत फरेब दी है मुझको। अब और धोखा खाने की मुझ में हिम्मत नहीं। चले जाओ यहाँ से। कुकू, मुझे को समझाने का मौका नहीं दोगी? गोपी, प्लीज डोंट टच मी। कुकू, कुकू, क्या कहना चाहते हो बरखुरदार? मुझे यकीन था दौलत की हवस तुम्हें मेरे दरवाजे तक जरूर खींच लाएगी। सच तो यह है कि किसी का प्यार मुझे यहाँ तक खींच लाया है। और वो प्यार है मेरी बेशुमार दौलत। सेठ जी, मुझे गौर से देखिए, क्या मैं आपको बुरा इंसान नजर आता हूँ? क्या मेरे चेहरे से यह जाहिर नहीं होता
कि मेरी रगों में एक शरीफ खानदान का खून दौड़ रहा है। तुम्हारा यहाँ ना महज इस बात की दलील है कि तुम एक नीच खानदान से ताल्लुक रखते हो। राय साहब, आप मुझे जो जी में आए कह लीजिए, लेकिन मेरे माँ बाप को गाली देने का आपको कोई हक नहीं। तुम गंदी नाली के नापाक कीड़े मुझे धमकी देते हो। जी में आता तुम्हें हवालात में बंद करवा, लेकिन निकल जाओ। आई से गेट आउट। हेलो, एक बात और याद रखना, आइंदा मेरी बेटी से मिलने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी खाल खिंचवा दूंगा। ये क्या किया आपने, घर आए मेहमान को अपने घर से निकाल दिया। घर आया हुआ हर आदमी मेहमान नहीं होता। उसने मुझ पर एहसान किया है, मेरी जान बचाई है। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने तुम्हारे खानदान की इज्जत को लूटने की कोशिश की, उसने मुझे ब्लैकमेल किया है। मेरी कहानी भूलने वाले कहानी भूलने वाले जहाँ बात रहे, मेरी कहानी मेरी खुशी पर मैं मिट जाऊं, दुनिया मेरी पर मेरी कहानी। वो तुझसे प्यार नहीं करता, वो तुझसे प्यार नहीं करता, उसने तुझे बेचा है, तेरे प्यार को बेचा है, उसने तुझे बेचा है, तेरे प्यार को बेचा है, तेरे प्यार को बेचा है। अपना फसाना कह न सका, मेरे दिल की तमन्ना दिल में रही, लो आज किनारे पर की कश्ती डूब गई, किस्मत को मंजूर यही था, लपे मेरे फरियाद रहे मेरी कहानी। तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था गोपी, मुझसे कहा होता मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे देती। बेटा, जमींदार ने धमकी दी है कि 3 रोज के अंदर बस्ती की जमीन का किराया न दिया गया तो सारी बस्ती को आग लगा देगा। आज आखिरी दिन है, कल सुबह तक 17,000 रुपए का इंतजाम न हुआ तो भगवान जाने कितने गरीबों को भिखारी बनना पड़ेगा और कितने लाचारों को आत्महत्या करनी पड़ेगी। 17,000? गोपी, दिल वाले दिल देकर आंखें नहीं चुराते। हाथ छोड़ो, नखरे न दिखाओ।
छोटी सी ना मेरी खता है, कितनी बड़ी क्यों ये सजा है। अच्छा बाबा कानों में कह दो, गुस्सा करना प्यार की अदा है। पलकी बिछाए आंसू बहाए कैसे मनाए जी, पलकी बिछाए आंसू बहाए कैसे मनाए जी। जाने मन माने लो, दिल तो क्या जाने लो। आंखें चुराओ ना, दामन बचाओ ना, नखरे दिखाओ ना। इस खत से जाहिर होता है कि उसने गरीबों की मदद करने के लिए मुझे ब्लैकमेल किया जी। लेकिन कल को यह भी हो सकता है कि वो किसी और की मदद करने के लिए तुम्हारी जिंदगी का सौदा कर बैठे। मैं ऐसे आदमी पे एतबार नहीं कर सकता। डैडी, आई नो हिम वेरी नाइसली, मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ। शट अप! बचपन से लेकर आज तक हमने तुम्हें अपनी मनमानी करने दी, लेकिन अब तुम वही करोगे जो हम चाहेंगे। तो क्या आप ये चाहते हैं कि मैं खुदकुशी कर लूं? मुझे धमकी देती है। आज से इसका घर से बाहर निकलना बिल्कुल बंद। ये अपने कमरे से बाहर नहीं निकलेगी, ये मेरा हुक्म है। राय साहब, आपने तो मेरे दिल की बात कह दी। बड़े खुश मिजाज है राय साहब। भाभी, क्या मजा, बहुत खामोश है। सर में कुछ दर्द हो रहा है, एक्सक्यूज मी। राय साहब, हम दोनों के इन बच्चों में क्या काम, चलिए बाचल के बातचीत करेंगे। मुझे भी तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी। हाँ आइए आइए, बात करके बैठेंगे। जानती हो तुम्हारे पिताजी मेरे मामा जी से कौन सी बातें करना चाहते हैं? जानती हूँ, मेरी बर्बादी की। बर्बादी की नहीं, अपनी शादी की। प्लीज मिस्टर अजीत, अपने आप में रहने की कोशिश कीजिए। तुम मुझे गलत समझ रही हो। औरत जिंदगी में सिर्फ एक बार किसी मर्द को समझती है, और मैं किसी को अपना समझ चुकी हूँ। कहीं वो मर्द मुफलिस गोपी तो नहीं? मिस्टर अजीत, इंसान अपनी गरीबी से मुफलिस नहीं होता, अपने कर्मों से मुफलिस बनता है। और ऐसे ही कुछ कर्मों का भरम मैं अपनी जेब में लिए फिरता हूँ। मेरा ख्याल है अब तुम मुझे अच्छी तरह समझ चुकी होगी। वैसे मुझे टेढ़ी उंगली से घी निकालने की आदत नहीं,
लेकिन अगर निकालने की जरूरत पेश आई तो मैं इसकी एक कॉपी पुलिस स्टेशन भिजवा दूंगा। वैसे मुझे तुम्हारी समझदारी पर पूरा यकीन है कुकु डार्लिंग। अब तुम सिर्फ मुझसे शादी करके ही अपने खानदान की बर्बादी को रोक सकती हो, और इसके अलावा तुम्हारे सामने कोई चारा भी तो नहीं। भांजे मुंह तो मीठा कर लो। आ रहा हूँ मामा जी, मैं जरा पॉलिटिक्स डिस्कस कर रहा था। क्यों कुकु? तो आप लोग मोटरसाइकिल चैंपियन हवाला के खास दोस्त हैं। यस सर। आप ये बता सकते हैं कि उसका दुश्मन कौन था? दुश्मन? दुश्मन की क्या बात करते साहब, मैं तो उनके दोस्तों के बारे में जानती है कि नहीं बाबा जी? बराबर परमानंद जी। साहब उसका दुश्मन कौन हो सकता है, वो तो यार भाई यार था। अरे मेरा तो एकदम फास्ट फ्रेंड था साहब, मगर सॉरी उसके सर पे तो एक भूसवार रहता था साहब, वो अपना राय साहब है ना, राय साहब उसका छोकरी कुकू। राय साहब की बेटी कुकू? कुकू बेटी, मैं अंदर आ सकता हूँ? अंकल आप आइए आइए, कैसे हैं आप? हमारा क्या है बेटी, हम तो किसी खूनी के सामने भी होते हैं तो भी यही कहते हैं कि अच्छे। अल्फ्रेड हिचकॉक, स्टोरीज माय मदर नेवर टोल्ड मी। तो हमारी बेटी आजकल मर्डर मिस्ट्रीज पढ़ रही है। बेटे जी, मैं भी तुम्हारे पास एक मर्डर केस के सिलसिले में आया हूँ। मर्डर केस? मोटरसाइकिल चैंपियन हवा वाला मर्डर केस। तुम इसे पहचानती हो? नहीं अंकल, मैं नहीं पहचानती। इस आदमी ने तुम्हारे साथ कभी कोई शरारत की थी? मेरा मतलब है रास्ते में छेड़छाड़। रास्ता चलती लड़की से तो कोई भी छेड़छाड़ करता है, आप किस किस को याद रखेंगे अंकल? यू आर राइट, मैंने सोचा था शायद इस मामले में तुमसे कोई मदद मिल जाए। अच्छा मैं चलता हूँ। ओके बाय बाय। बाय बाय। बेटी अपनी शादी में बुलाना ना भूलना। हाँ वो नहीं आएगी छबीले। गरीबों की आवाज अमीर लोगों के कानों तक नहीं पहुंचती। उसे आना होगा, उसे आना होगा। कुकू, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। गोपी, गोपी, मैं बहुत मजबूर थी। मोहब्बत कभी मजबूर नहीं होती, लेकिन औरत कभी कभी मजबूर हो जाती है। अजीत के हाथों मेरे कातिल होने का सबूत लग चुका है। कैसा सबूत? ये देखो। इट्स इम्पॉसिबल, ये झूठ है। दरअसल तुम्हारे हाथों चैंपियन का खून हुआ ही नहीं था, वो तो हम दोनों तुम्हारे साथ ड्रामा किया था। गोपी, ये तुम क्या कह रहे हो? चैंपियन का मर्डर तुमने नहीं किया, और अगर चैंपियन का मर्डर हुआ है तो उसमें सिर्फ अजीत का हाथ है। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे प्यार की कसम खा के कहता हूं कि जब तक अजीत को गुनहगार साबित ना कर लूं मैं चैन से नहीं बैठूंगा। ओ गोपी, दरवाजा खोलो, फायर कर दो।
दरवाजा खोलो, तुम कौन? दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। तुम, तुम्हारी आने की हिम्मत कैसे? डैडी, रुको। रुक जाइए राय साहब, मम्मी ठीक कह रही हैं। आप इस भिखारी को मेरे हवाले कर दीजिए और मेरे आदमी इसका दिमाग ठिकाने लगा देंगे। अशोक ले जाओ। अजीत, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं तुम दोनों की जल्द से जल्द शादी कर देना चाहता हूँ। जैसी आपकी मर्जी राय साहब। मुस्ते, ये जो कुछ हो रहा है गलत हो रहा है। नहीं, मैं जोर से बोलूंगा, गला फाड़ के बोलूंगा, चिल्ला चिल्ला के बोलूंगा, सारे बच्ची बुझा के बोलूंगा कि यही ना कि जुल्म का हद से बढ़ जाना तबाही की निशानी है। शाबाश, समझ गया। मामा, मैंने अपने रास्ते का एक और कांटा भी साफ कर दिया है। कल ठीक 4:30 बजे मेरी शादी की अग्नि जलेगी और ठीक 4:30 बजे गोपी और चैंपियन की मौत की अग्नि चलेगी और इसके बाद हम लखपति बन जाएंगे। लेकिन भांजे, इस बार 50-50 डन डन 50-50 50-50। आपको शर्म नहीं आती? आप मेरी जिंदगी बर्बाद करके जश्न मना रहे हैं। मोना, दिस इज बिजनेस बिजनेस। घाटे का बिजनेस मैं नहीं करती। अगर अजीत ने मेरे अलावा किसी और से भी शादी की तो मैं तुम दोनों का भांडा फोड़ दूंगी। ओह माय डियर चाइल्ड मोना, कुछ बातें ऐसी होती है जो बच्चे नहीं समझते। मेरी बात तो सुनो, जिद मत करो। आओ मेरे साथ, आओ, मैं सब समझा देता हूँ। आओ मेरे साथ। क्या करें आप अंकल? छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए अंकल, छोड़ दीजिए। अरे जल्दी करो, जल्दी करो। कैसे रामू काका? वेरी गुड। हाँ पंडित जी, सब ठीक है ना? आयो हो गया जी। माँ, माँ ये शादी को रोको। माँ, ये शादी नहीं बर्बादी है। अरे कुकु बेटी, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई। डैडी, आप कहें तो मैं आपके हाथों जहर पिखाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये शादी का जोड़ा नहीं पहन, यही ना कुकु? मैंने तो सिर्फ तुम्हें बेटी की तरह पाला है, लेकिन तुम्हारे माता पिता जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया था, उनकी आत्माएं तुम्हारी ये बात सुनकर बहुत खुश हुई होंगी। अच्छा हुआ वो बेचारे यथिन देखने से पहले चल बसे। ऐसा मत कहिए डैडी। कुकु, तुम बेशक अपने माता पिता की आत्मा को दुख दे सकती हो, लेकिन इतना याद रखना, अगर मैं तुम्हारे पिता को दिया हुआ वचन पूरा ना कर सका तो इस घर से तुम्हारी डोली उठे ना उठे मेरी अर्थी जरूर उठ जाएगी। गोपिया! पर गोपिया का कहीं पता नहीं चला। गोपिया! अरे अजीत का गुलामी किया, उसका अड्डा का भी पता नहीं मालूम। चल। ए, 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 मुझे गलत मत समझो, मैं तुम्हीं से मिलने बस्ती की ओर आ रही थी। अजीत ने गोपी को कैद कर रखा है और खुद हुकू से शादी करना चाहता है। और अगर ये गोपी कहाँ है? गोपी चूना भट्टी में कैद है। ये क्या किया? अरे मैं जो कुछ ठीक किया। अरे दुश्मन भरोसा कभी नहीं करना चाहिए, आज अपनी तरफ कल अजीत की तरफ। अरे वाह कबूतर, मान गई। सुनो, तुम लोग चुना भट्टी जाकर गोपी को छुड़ाने की कोशिश करो। हा? मैं शादी रुकवाने का इंतजाम करती हूँ। ऐसे जाके शादी रुकवाऊंगी? क्यों? अरे पागल, शादी रुकवाने का तरीका मैं बताता हूँ। ऐसी तरकीब बताऊंगा, ऐसी तरकीब बताऊंगा, शादी तो क्या लोगों के सांसें रुक जाएंगे।
नमस्ते राजा। हाय। मालिक बाहर एक बुढ़िया आपसे मिलने आई है। उसे? जी। कौन हो तुम? क्या बात? मेरा एक बेटा है, नादान है, जवानी के जोश में आकर आपके होने वाले दामाद से लड़ बैठा। भला उसे क्या मालूम कि गरीब तो हमेशा अमीरों से दबने के लिए पैदा हुए हैं। कौन है तुम्हारा बेटा? बोलो, कौन है तुम्हारा बेटा? गोपी। गोपी? वो बच्चा है, वो नाग है नाग। तुमने अपनी कोख से एक इंसान को नहीं, एक सांप को जन्म दिया है। सेठ जी, सेठ जी, अगर गोपी आपका अपना बेटा होता और आपको कोई इतनी बड़ी गाली देता तो आपके दिल पर क्या गुजरती? मैं ऐसी औलाद के पैदा होते ही उसका गला घोट देता। ये एक ऐसा इंसान कह रहा है जिसकी अपनी कोई औलाद नहीं। बढ़िया। सेठ जी, दौलत के घमंड में आकर खून और नाखून के रिश्ते को मत भूलिए। मैं आपसे आपकी खुशियों का सदका मांगती हूँ। मेरा बच्चा, मेरा गोपी मुझे दे दीजिए। रंग में भंग मत कर बुढ़िया, तेरा गोपी मेरे बस में नहीं। नहीं नहीं सेठ जी। मालिक, ऐसा मत कहिए। मालिक, मालिक चलिए, बारात आ गई। अच्छा सेठ जी, मुझे भागन पर दया करके जाइए। सेठ जी, दया कीजिए। रामू, बुढ़िया दे, गो मत बुढ़िया। सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी। आइए, किधर हो? नाम भाई। भाई साहब, मुबारक। सरकार दया कीजिए। इस औरत को धक्के मार कर घर से बाहर निकाल। सरकार दया करो, मेरी औलाद मुझे लौटा दो। सेठ जी, अरे दया कीजिए सरकार। अरे सरकार, भगवान देख रहा है, तुम्हारा कभी भला नहीं होगा। भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। सेठ जी, भगवान तुम्हारा कभी भला नहीं करेगा, कभी भला नहीं करेगा। अरे मेरा बच्चा मुझे लौटा दो। अरे सेठ जी, भगवान तुम्हारा कभी भला नहीं करेगा, कभी भला नहीं करेगा, कभी भला नहीं करेगा। अशरुख, चूना भट्टी जाकर गोपी को जिंदगी की कैद से आजाद कर दो। मैंने तो आपको दो दिन पहले आने के लिए तार दिया था, और आप हैं क्या? बहुत गुस्से में हैं आप, माफी की कोई गुंजाइश नहीं। जाओ, माफ किया, लेकिन ऐसे मौके पे भी खाली हाथ? खाली हाथ नहीं आया हूँ राय साहब, इस वक्त तो ऐसा तोहफा लेकर आया हूँ जिसे देखकर आप दोनों की आंखों से खुशी के आंसू बह निकलेंगे। ऐसा कौन सा खुशी का खजाना उठा लाए भैया? आज मैं आपको आपकी खोई हुई औलाद लौटाने जा रहा हूँ। क्या? मेरा बेटा, मेरा बच्चा, क्या वो मिल गया? क्या वो औरत तुम्हें मिल गई? जिसे लाए साहब, वहां देखिए। यही है वो औरत जिसके हाथों में मैंने आपका बच्चा सौंपा था। कहां है मेरा बच्चा? बोलो, कहां है मेरा बच्चा? अभी तो बिल्कुल जवान हो गया होगा, पूरे 22 साल का। तुम चुप क्यों हो? बोलते क्यों नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारा गोपी ही हमारा खोया हुआ बेटा हो? गोपी और तुम्हारा बेटा? अरे वो तो सांप है, सांप। क्यों सेठ जी, ये क्या कह रही आप? गोपी जैसा बेटा आपके घर में पैदा होता तो सेठ जी उसका गला नहीं खोलते थे। क्यों सेठ जी? क्या तुम ये कहना चाहती हो कि गोपी हमारा बेटा? खबरदार, जो गोपी को तुमने अपना बनाने की कोशिश की। गोपी मेरा खून है, गोपी मेरा बेटा है। तुम्हारा उससे कोई वास्ता नहीं, तुम्हारा उससे कोई वास्ता नहीं। फिर वो कौन है जिससे हमारा वास्ता है, जो हमारा बेटा है? ये बताना मेरे बस में नहीं। क्यों सेठ जी? तुम चाहे कुछ भी, लेकिन भगवान के लिए हमें हमारे बच्चे का पता बता। तुमने जो हमारी औलाद के लिए दुख सहे, उसके लिए हम तुम्हारा दामन दौलत से भरने के लिए तैयार। तुम सौदेबाज लोग, अपनी सारी दौलत देकर भी एक माँ के दूध की कीमत नहीं चुका सकते।
समझे? अगर तुम ये चाहती हो कि मैं तुम्हारे आगे झोली फैलाकर भीख मांगू तो लो, मैं तुमसे तुम्हारे गोपी का सदका मांगता हूँ, हमें हमारी औलाद लौटा दो। बारात आ चुकी है सेठ जी, जाइए, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी वजह से रंग में भंग पड़ जाए। सुनिए बहन, माना कि मैंने अपनी औलाद को जन्म दिया है, लेकिन आपने तो उसकी परवरिश की है, आपका हक उस पर हमसे ज्यादा बनता है। लेकिन आज एक माँ छोले फैलाकर एक दूसरी माँ से भीख मांगती है कि एक बार, सिर्फ एक बार मेरे बच्चे की झलक दिखा दीजिए, आपका ये एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। ये क्या हो रहा है साहब, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। अजीत, इस औरत को गोपी का पता बता दो। गोपी? उसे तो मेरे आदमी कब का दूसरी दुनिया में पहुंचा चुके होंगे। क्या तूने, तूने मेरी गोपी को मार डाला? मेरा तेरा खून पी जाऊंगी, तेरा खून पी जाऊंगी। बढ़िया। सेठ जी, गोपी आपका ही बेटा है, बचा लीजिए गोपी को, बचा लीजिए, आपका बेटा है गोपी, सेठ जी आपका बेटा है। गोपी मेरा बेटा है? बस बस, बहुत हो चुका है नाटक, अब शादी की तैयारी कीजिए। मुझे बर्बाद करके तुम शादी करना चाहते हो? राय साहब, बर्बाद तो आप ये शादी न करके होंगे। रोमांजे, राय साहब, आपका खोया हुआ बेटा गोपी और कुकू दोनों मिलके एक कत्ल कर चुके हैं। ये देखिए, ये तस्वीर इन दोनों के कातिल होने का जिंदा सबूत है। अगर आपने शादी जल्द से जल्द ना की तो ये तस्वीर पुलिस के हाथों में होगी और आपकी इज्जत चौराहे पर। भाई साहब, मुबारक हो। अरे, इस खुशी के मौके पर खामोशी कैसे? तो भाई साहब, आप चुप क्यों हैं? भाभी, कुकू तो ठीक है ना? हाँ। ये सब क्या हो रहा है? खान भैया, मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ। नहीं 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 नहीं, अभी नहीं, अभी तो है जमा रातें, सुनो जरा दिल की बातें, होंगी अभी मुलाकातें, इनसे उनसे हमसे तुमसे नहीं कोई आने वाला है। ओ गोपिया मेरा जिया, लागी ना मेरा।
अच्छा राय साहब, मुहूर्त टल रहा है, दुल्हन को बुलवाइए। दुल्हन तैयार है, वो आ रही है। आप हमें आशीर्वाद देने का कष्ट नहीं करेंगे? दे दीजिए ना। ठहरिए, सबसे पहले मेरा आशीर्वाद तो ले लीजिए। तुम तो फिर ये कौन है? ये वो साहेब की बावा। अरे भांजे, इसे तुमने चूना मट्टी में कैद कर रखा था। ए, तो बाहर कैसे आ गए? मैं तो बाहर आ गई। अब तुम दोनों के अंदर जाने की बारी है। तेरे को अंदर मैं करता हूँ। चैंपियन हवा वाला, तुम जिंदा हो? अरे ये तो कब का मर गया होता, वो तो हमने अपनी जान पर खेलकर इसकी जान बचा ली। खबरदार, अगर किसी ने जरा भी हरकत की तो मैं इसे गोली मार दूंगा। नौजवान, तुम नादानी कर रहे, बेहतर है कि अपने आप को कानून के हवाले कर दो। भांजे, इस शख्स की बातों मत आना। माना कि बाजी हम हार चुके हैं, लेकिन किसी को जीतने भी नहीं देंगे। हमारा बच्चा। अबे जीतने वाला तो कब की बाजी जीत चुका है पागंडी, अब तो सिर्फ बदला लेना बाकी है। बेटे बेटे, ये तेरे माँ बाप है, पहुंचो पहुंचो बेटे बेटे। हमें दाढ़ी का तकलीफ दे रही है, संभालो। मैं अपने दोस्त को मारा, बेचारा मुझे माफ करो, मुझे माफ करो, मैं माफ नहीं करूंगा, मैं माफ नहीं करूंगा। क्या जी, पहले दाढ़ी दिया अब ये मूंछें देता है, हमको बेवकूफ बनाता है क्या जी? बचना मुश्किल है, लगता है तो कुछ ऐसा ही है। अपना काम दिखा दे तो शुरू करे। करो बोली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे, दर्शन छोटे। बोली सूरत दिल के खोटे।
शर्मा ले चलो इन्हें। चलो। अरे मुझे क्यों विधवा कर रहे हो? अरे कहाँ लेके जा रहे हो? चलो स्वामी प्राणनाथ मुझे उठा लो। अरे सरकारी दामाद रसगुल्ला तो खा लो। नहीं भूसे की रोटी खाना साले जी। आप खाइए रसगुल्ला। फुग्गा फूटा दिल न टूटा। अच्छा शुक्र है आप खाइए आप खाइए। छोटा बाद में मालिक आप खाइए आप खाइए। तन्नी जी अरे आशीर्वाद मिल गया। अब तो मेरी भी शादी हो जाएगी। अब इसमें आज वो नहीं है। आज नहीं है, नहीं है। तो खा देते हैं। अब ये मेरा हिस्सा है। मार गए रे मार गए रे। जो आप जी ने मारा तो रह गए हम। तो फिर मैं क्या करूं जाने बहार। ओ मार गए रे ओ मार गए रे रसगुल्ला घुमाई के मार गए रे। ओ मार गए रे हाँ मार गए रे रसगुल्ला घुमाई के मार गए रे।